Good morning students. Class 12th, Political Science, Chapter 5, Challenges to and Restoration of the Congress System. Here is the third video of this chapter. In this video, we will try to understand the situation uh, that India faced after the death of Shastri. Let's start the topic. From Shastri to Indira Gandhi. इंदिरा गांधी ने बेटा चेयर को 1966 से संभाला और देखते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर बनी कैसे क्योंकि कुछ सवाल थे लोगों के सामने या कांग्रेस के सामने भी जिन सवालों को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया गया द कांग्रेस फेस्ड द चैलेंज ऑफ द पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन टू ईयर्स यानी कि दो सालों में हम लोग अपने दो प्राइम मिनिस्टर को चुके थे और दो बार हमारे सामने वही सवाल आया कि नेहरू के बाद कौन आएगा फिर हमें शास्त्री जी मिले और शास्त्री जी के बाद फिर कौन आएगा हमारे सामने एक ये सवाल आया दस द कांग्रेस फेस्ड द चैलेंज ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन फॉर द सेकेंड टाइम इन टू ईयर्स दिस टाइम देअ वॉज अ इंटेंस कॉम्पिटिशन पहले नेहरू जी के मतलब कहा जाए तो शास्त्री जी के टाइम पीरियड पर ऐसा कोई कंपटीशन नहीं था क्योंकि वो एक यूनानिमस डिसीजन था एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वो एक यूनानस डिसीजन है ठीक है और के कामराज ने बाकी कांग्रेस पार्टी के लीडर्स से और कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में उन सबसे बात बात हो गई और कोई भी उनको चैलेंज करने वाला व्यक्ति सामने नहीं आया तो इट वॉज अ यूनानिमस डिसीजन सर्वसहमति से वो कार्य किया गया इसके बाद जब प्रॉब्लम आती है इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड के तो उस टाइम पीरियड पर एक कंपटीशन था कंपटीशन से क्या मतलब है कि लोगों के पास ऑप्शंस थे कि या तो इंदिरा गांधी को सिस्टम में लाया जाए या मुरारजी देसाई को अब इंदिरा गांधी और मुरारजी देसाई के बीच में क्या एक रीज़न uh, रहा वो हम एक बार देखते हैं मुरारजी देसाई हैड अर्लियर सर्व्ड एज अ चीफ़ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट जो कि प्रेजेंट टाइम पीरियड पे महाराष्ट्र और गुजरात कंबाइन है एंड ऑल्सो द मिनिस्टर इन द सेंटर ही वॉज एट दैट टाइम फाइनेंस मिनिस्ट्री थी बेटा उनके अंडर एंड इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हैड बीन कांग्रेस प्रेजिडेंट इन द पास्ट मतलब एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कांग्रेस की प्रेजिडेंट रह चुकी थी एंड हैड ऑल्सो बीन यूनियन मिनिस्टर फॉर द इंफॉर्मेशन इन द शास्त्रीज कैबिनेट अगर दोनों के एक्सपीरियंस को देखा जाए तो मोरारजी देसाई ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं एक लंबे समय से काम किया है उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर की पोस्ट संभाली है फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं इंदिरा गांधी के पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था वो शास्त्री जी के टाइम पीरियड पर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन उन्होंने संभाला था दिस टाइम द सेकेंड लीडर इन द पार्टी डिसाइडेड टू बैक द इंदिरा गांधी सीनियर जो मिनिस्टर्स हैं उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो इंदिरा गांधी को सपोर्ट करेंगे बट डिसीजन वॉज नॉट यूनानिमस क्योंकि कांग्रेस के अंदर ही जो सीनियर लोग हैं हैं वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी आए ठीक है और बेटा कई एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर कई लोग हैं ना बच्चे क्या करते हैं इंदिरा गांधी की स्पेलिंग को इस तरीके से लिख देते हैं ये इंदिरा नहीं है ये इंदिरा है तो आई बीच में आता ये चीज आप ध्यान रखें तो कई लोग इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे जो कि स्पेसिफिकली सीनियर मेंबर्स थे कांग्रेस के और कुछ लोगों ने मुरारजी देसाई को सपोर्ट किया तो यहां पर क्या हुआ वोट डिवाइड हो गए तो ये यूनानिमस डिसीजन नहीं है ये चीज आपने यहाँ पर नोट रखनी है इसके बाद डिसीजन वॉज नॉट यूनानिमस शास्त्री जी के टाइम पीरियड में वो एक यूनानिमस डिसीजन था वॉज रिजोल्व uh, दो अ बैलेट पेपर अमंग दी कांग्रेस एम यानी कि सीक्रेट वोटिंग हुई जिसमें सिर्फ कांग्रेस के जो एम हैं उन लोगों ने वोट किया और आपस में उस वोटिंग में जिसको ज़्यादा वोट मिलते वो एज अ प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर जाते तो इंदिरा गांधी डिफीटेड मोरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन टू थर्ड ऑफ द पार्टीज मेंबर यानी कि ज़्यादा एम जो कि उस टाइम पीरियड पर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट की पोस्ट पर थे तो टू थर्ड लोगों ने कांग्रेस के मतलब कांग्रेस के ही टू थर्ड लोगों ने इंदिरा गांधी को वोट दिया और कांग्रेस के ही वन थर्ड लोगों ने मुरारी देसाई को वोट किया तो इस यहाँ पर एक डिसीजन एक बैलेट पेपर यानी कि वोटिंग की गई कांग्रेस के अंदर ही जहां पर इंदिरा गांधी को एज अ प्राइम मिनिस्टर चूज यानी कि उनका लीडर बनने के लिए वोटिंग हो रही है इसके बाद है अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर ट्रांजिशन ऑफ पावर किससे शास्त्री से ट्रांजिशन कैसे हो रहा है शास्त्री से इंदिरा गांधी की तरफ तो इट वाज अ वेरी पीसफुल ट्रांजिशन ऑल्दो एक वोटिंग हमें फेस करनी पड़ी तो पर वो एक पीसफुल ट्रांजिशन हो गया आफ्टर दैट अ पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर डिस्पाइट इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी फॉर लीडरशिप वाज सीन एज अ साइन ऑफ लाइक मैच्योरिटी फॉर द इंडियास डेमोक्रेसी तो एक ये क्या है एक मिच्योरिटी दिखाती है कि भाई एक हेल्दी कंपटीशन हुआ वोटिंग वोटिंग हुई voting के बाद मोरारजी देसाई हार गए और इंदिरा गांधी को ज्यादा वोट मिले तो वो सिस्टम में बनी रही इसके बाद बेटा इस कार्टून को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये क्या है इंदिरा गांधी है ये न्यूली पर्सन आई है ठीक है दूसरी तरफ आपके ये मुरारजी देसाई साहब हैं जो कि सिस्टम में आने की कोशिश कर रहे हैं बट वो रेस में पार्टिसिपेट उन्होंने ज़रूर किया बट वो रेस जीत नहीं पाए कहने का मतलब ये कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट जरूर किया पर कंपटीशन जीत जीते नहीं और इंदिरा गांधी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर एज अ थर्ड प्राइम मिनिस्टर ली ठीक है तो या फिर और ये चीज़ आप याद रखें नाइनटीन से लेके नाइनटीन तक

इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी उनके पास हमने ये पहले पढ़ा है ओनली फॉर अ शॉर्ट पीरियड बट आपने ये चीज याद रखनी है एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उन्होंने मिनिस्ट्री को संभाला था बट वो पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रही द सीनियर कांग्रेस लीडर्स मे हैव सपोर्टेड इंदिरा गांधी इन द बिलीव दैट हर एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल एक्सपीरियंस वुड कम्पेल हर टू बी डिपेंडेंट ऑन देम फॉर दी सपोर्ट एंड दी गाइडेंस अब ज़रा ना रीज़न समझने की कोशिश करें आप लोग हमने क्या देखा कि जो सीनियर लोग हैं या जो सीनियर कांग्रेस के मेंबर्स हैं उन लोगों ने इंदिरा गांधी को बैक करने की या फिर इंदिरा गांधी को सपोर्ट करने की प्लानिंग की ठीक है अब वो सपोर्ट करने के लिए क्यों कह रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि इंदिरा गांधी के पास है ना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं काम करने का तो उसको जब वो सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में क्या होगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन के डिसीजन के लिए और जो पॉलिटिकल डिसीजनस उसको लेने हैं किसको लेने इंदिरा गांधी को लेने हैं तो उसके लिए वो हमेशा सीनियर मिनिस्टर्स या सीनियर जो मेंबर्स हैं कांग्रेस के उससे या फिर उनके ऊपर वो डिपेंडेंट हो जाएगी और पावर जो है हमेशा सीनियर लोगों के पास ही रहेगी तो उनको वो डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं बट ये मतलब बेसिकली ये रीजन था उसको सपोर्ट करने का ठीक है इसके बाद हम लोग देखते हैं द सीनियर लीडर्स लीडर्स में हैव सपोर्टेड इंदिरा गांधी इन द बिलीव दैट हर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पोलिटिकल इन एक्सपीरियंस क्योंकि उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं ठीक है तो इसलिए वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी किसके ऊपर आपके सीनियर मिनिस्टर्स के ऊपर ठीक है वाइल द ईयर्स ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड टू लीड द पार्टी इन अ कांग्रेस या सॉरी हैड टू लीड द पार्टी इन अ लोकसभा इलेक्शन अब एक चीज आप बेटा आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि नेहरू के बाद शास्त्री ने पब्लिक को फेस नहीं किया पब्लिक को फेस करने का क्या मतलब है कि इलेक्शन में उन्होंने कैंपेनिंग नहीं की ठीक है यहाँ पर उनको इलेक्शन में कैंपेनिंग करनी पड़ी पहली बार नेहरू के बिना तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम पीरियड पर कि इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शंस के अंदर इंदिरा गांधी पहली बार लोगों के सामने जाएगी तो क्या लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे वो एक अपने आप में एक बड़ा सवाल था जैसा कि बेटा अभी हमने देखा कि किस तरीके से इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर रही मतलब ऑल्दो शास्त्री जी ने नहीं फेस किए इलेक्शंस बट इंदिरा गांधी को फेस करने पड़े आफ्टर नेहरू तो हमारे पास फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए तीन जनरल इलेक्शन इंडिया में पहले हो चुके थे 1962 में थर्ड जनरल इलेक्शन हुए थे इसके बाद विद द ईयर्स ऑफ बिकमिंग प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड टू लीड द पार्टी इन लोकसभा इलेक्शंस ये फोर्थ जनरल इलेक्शन की बात की जा रही है नाइनटीन में आप प्लीज इसे नोट कर लें अराउंड दिस टाइम बट इस पूरे चैप्टर में या इस नेक्स्ट चैप्टर में भी फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको ईयर याद नहीं रहेगा आप डेट के साथ नहीं चलोगे तो आपका कंटेंट पूरा मिक्स हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखनी है ठीक है अराउंड दिस टाइम द इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री हैड फर्दर लाइक क्या है कि इकनॉमी बहुत ज़्यादा डिट्रॉडेड कंडीशन में है या बहुत ज़्यादा ही दरिद्र अवस्था में चल रही है ठीक है और उसके साथ अलग अलग प्रॉब्लम्स जो हैं उसमें एड ऑन होती जा रही हैं ठीक है एंड फेस्ड विद दीज डिफिकल्टी शी सेट आउट टू गेन अ कंट्रोल ओवर द पार्टी इंदिरा गांधी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह सामने आई और उसी के साथ साथ एक आ, मतलब कहते हैं ना कि एक नोविस पर्सन है नौसिखियाँ हैं अपने काम में या ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास बट फिर भी वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह अपने अंदर वो स्किल्स रख रही हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी पर पूरा कंट्रोल बनाया और नेशन को भी संभालने की एक पूरा आ, मतलब कह सकते हैं ना कि वो पूरी की पूरी चीज़ें उन्होंने जल्दी जल्दी सीख लिया एक ये चीज़ रहती है, है। अगेन बेटा इंदिरा गांधी के बारे में एक बार हम लोग देखते हैं इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रही 1966 से लेके 77 तक और उसके बाद 80 से लेके 84 तक शी वॉज द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल एज अ यंग कांग्रेस वर्कर कांग्रेस प्रेसिडेंट इन नाइनटीन मिनिस्टर ऑफ शास्त्री कैबिनेट फ्रॉम 1964 सिक्सटी फोर टू सिक्सटी सिक्स इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में वो रही लेट द कांग्रेस पार्टी टू विक्ट्री इन 1967 सिक्सटी सेवन फोर्थ जनरल इलेक्शंस में एक बहुत अच्छे नंबर्स के साथ उन्होंने इलेक्शन में वोट्स में जीते जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंड नाइनटीन सेवेंटी वन के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया नाइनटीन एटी के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक अच्छे नंबर्स ऑफ वोट्स उनको हमेशा मिले ठीक है एक बार उनको नहीं मिला वो कब था वो पूरा हम लोग पढ़ेंगे बाद में क्रेडिटेड विद द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ ये स्लोगन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है जैसे शास्त्री जी का जय जवान जय किसान स्लोगन था तो इंदिरा गांधी का स्लोगन गरीबी हटाओ का याद किया जाता है विक्ट्री 1971 के इलेक्शंस में उनको अच्छे वोट्स जिताने के लिए दिलाने के लिए गरीबी हटाओ के स्लोगन ने बहुत काम किया कुछ डिसीजंस उनके ऐसे रहे बेटा जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया गया प्रीवी पर्स आप लोगों को याद होगा जब आपने इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वाला टॉपिक पढ़ा है तो प्रिंसली स्टेट्स या प्रिंस या जो किंग थे उनको इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर इंडिया में मर्ज करने के ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहे जिसमें ये कहा गया कि इंडियन गवर्नमेंट सालाना तौर पर जितने भी प्रिंसली स्टेट के राजा हैं या जो फैमिलीज़ हैं उनको कुछ कुछ पैसे ट्रांसफ़र किया करेगी ताकि वो अपनी लग्जीरियस लाइफ को कंटिन्यू कर सकें ठीक है तो उसे प्रीवी पर्स कहा गया जो अमाउंट गवर्नमेंट दे रही है उसे प्रीवी पर्स के नाम पर दिया जाता था जिससे इंदिरा गांधी ने बंद करवा दिया ठीक है तो वो बहुत ज़रा ऑब्जेक्शनेबल रहा कब कराया क्यों कराया अगेन स्टोरी है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे फिफ्टीन बैंक्स को नेशनलाइज करा दिया गया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपने कंट्रोल में रखा गया न्यूक्लियर टेस्ट कराया गया एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए काम किया गया और 1984 एटी फोर थर्टी फर्स्ट को उनका असैसिनेशन हो गया तो ये असैसिनेशन तक का जो पूरा सफ़र है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टडी करेंगे